मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी एक जीता जागता उदाहरण है। अगर आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चलने लगे तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आपको पूरा जोर लगाकर बुरे वक्त को बता देना चाहिए कि मेरा तो अभी अच्छा वक्त शुरू भी नहीं हुआ भाई, तू कहाँ से आ गया, और बुरे वक्त को नीचे गिरा देना चाहिए। मोहम्मद शमी जिनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया था 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से, पहले तो उनके घुटने की सर्जरी हुई। फास्ट बॉलर का करियर ख़त्म बता दिया जाता है घुटने की सर्जरी के बाद, लेकिन मोहम्मद शमी अब पहले से और तेज़ गेंदबाजी करते हैं। उनके पिताजी का देहांत हो गया उसके कुछ वक्त के बाद ही, जिनकी वजह से वो क्रिकेटर बन पाए। उनके पिता ने परिवार में सबसे ऊपर होकर उनको अमरोहा से भेज दिया था बंगाल क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी कम उम्र में। इसके बाद उसके 2 साल बाद उनकी पत्नी उन पर कहर बनकर टूट पड़ी और उनके उनके निजी मैसेज लीक कर दिए और उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि इसने मुझे मारा, और दहेज से लेकर पता नहीं क्या क्या मुकदमे लगा दिए। लेकिन इन सब के बावजूद मोहम्मद शमी ने हार नहीं मानी और वर्ल्ड कप में जोरदार वापसी की, और उस वापसी को अब तक बरकरार रखे हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो रिकॉर्ड भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहे जाने वाले फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, जहीर खान, जवाकल श्रीनाथ, कपिल देव जैसे दिग्गज भी नहीं बना पाए। वो भारत के ऐसे बॉलर बन गए हैं जिनके नाम एक साल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। अब तक वो इस साल में 40 विकेट ले चुके हैं और वो एक से एक बड़े बॉलर से आगे निकल चुके हैं। 40 विकेट सिर्फ वनडे में लेना बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात तो यह है उन्हें वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा वनडे भी नहीं खिलाए थे। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी वहाँ पर उन्हें सिर्फ 2 मैच खिलाए थे शुरू में, उसके अलावा वहीं पर उनकी वापसी हुई थी वनडे की सी टीम में। वर्ल्ड कप में उनको सिर्फ 4 मैच खिलाए गए। भारतीय टीम ने 10 मैच खेले, उनमें से मोहम्मद शमी ने सिर्फ 4 मैच खेले, लेकिन इसके बावजूद वो इस लिस्ट में इतनी ऊपर है। ये दिखाता है मोहम्मद शमी किस हवा में गेंदबाजी कर रहे हैं और कितने गुस्से में गेंदबाजी कर रहे हैं। और मोहम्मद शमी अपने बाउंसर भी ऐसे डालते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे 150 की स्पीड में उनकी 140 की स्पीड में। और जब भी मोहम्मद शमी की पिटाई होने लगती है वो अपना पूरा दिमाग लगाकर और ज़ोर से गेंदबाजी करने लगते हैं, और उनकी शरीर की तरफ बाउंसर का तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। आज निकोलस पूरन भी इस बात पर चकमा खा बैठे जो एक वक्त वेस्ट इंडीज़ को आसानी से जीत की तरफ ले जा रहे थे। वहीं उन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, और ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल मोहम्मद शमी अपने बनाने जा रहे हैं अगर विराट कोहली और रवि शास्त्री उनको ऐसे ही मौके देंगे जैसे वो बाकी गेंदबाजों को देते हैं। जाहिर सी बात है मोहम्मद शमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है टीम मैनेजमेंट का भरोसा। अगर उनका 1-2 मैच खराब चला जाए तो वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। वहीं कुछ बॉलर्स ऐसे हैं उनके लगातार 3-4 मैच भी खराब चले जाए तो उनको लगातार खिलाया जाता है। अगर मोहम्मद शमी पर वो भरोसा दिखाया जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मोहम्मद शमी भारत के लीडिंग विकेट टेकर बनने के बाद ही अपना करियर ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।